हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिप्रोडेक 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सिप्रोडेक 500 टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में सिप्रोडेक टैबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, सिप्रोडेक 500 टैबलेट की बात करें तो इसको कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया है, सिप्रोलोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 40 रुपीज़ में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, बात करते हैं इस सिप्रोडेक 500 टैबलेट को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी के कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कान के बहने की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी के स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, शरीर पर दाने आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके कहीं पर चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, जो उस पर सूजन आ जाता है उसको दूर करने के लिए भी इसको दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, बुखार में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। यदि किसी को बुखार आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आपकी आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या आँखों में सूजन आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। गले में सूजन होने पर इसका टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके गले में सूजन आ जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जो सिप्रोलोक्सासिन इस्तेमाल किया गया है वह एक एंटीबायोटिक सॉल्ट होता है जो कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही करें, अननेसेसरी आप इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आप इसको इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके पेट में कब्ज हो सकती है, दस्त की समस्या हो सकती है, ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप इसको किसी भी केमिस्ट से, मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। सिप्रोडेक 500 नाम से ये नहीं भी मिलती है तो आप किसी अदर ब्रांड के भी खरीद सकते हैं, उसके अंदर सिप्रोलोक्सासिन होना चाहिए। दोस्तों, दवाई से भी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।